बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जो बताना है वो है $50 नोट डिपॉज़िट बोनस, ठीक है। उसके बारे में बताना है, लेकिन उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में आपने पहले जान लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन ये भी आपको मैं बता दूँ कि मैंने दूसरे चैनल के ऊपर वो दी थी एक अपडेट, तो आई थिंक आपने देखी होगी। तो फ्रेंड्स लाइक कर दिया करें, क्योंकि वो अपडेट मैंने देने के बाद आपने मार्केट को देखा होगा कि थोड़ी बहुत मूवमेंट की है, लेकिन अभी इसने अपनी करनी है गुंजाइश, जो उसकी कमी रहती है वो भी करेगी, लोगों के अकाउंट वॉश वगैरह करके जाएगी। तो उसमें क्या चीज़ें बताई हैं, कौन सी चीज़ें बताई हैं वो देख लेना है और उस पर अमल करना है, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके, आपका लॉस वगैरह या नुकसान ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये पहले दिखा दूँ कि इसकी अभी मूवमेंट होने वाली है, स्टार्ट किस तरफ होती है और किस तरफ नहीं होती वो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी जो इसकी सूरत हाल चल रही है इससे निमटने के लिए यही कर सकते हैं आप। अगर बाई करना है तो बाई कर लें, या फिर लेकिन आप मूवमेंट के इसका हिसाब लगा लें अभी, ठीक है। और यहाँ पर भी देख लें, अगर यहाँ पर लगाई होती आई थिंक यहाँ पर देख लेते गोल्ड के ऊपर 95 तक आप लगा सकते थे और अच्छी खासी आपको प्रॉफिट हो जानी थी। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही, क्योंकि अभी मार्केट का भी है अभी पता नहीं चलना, क्योंकि मुझे लगता है जैसे ये मूवमेंट का इशारा दे रही है तो ये सेल पर भी जा सकती है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने पहले जो चीज़ बताई होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं, तो उनका एक चक्कर भी होता है और वो न्यूज़ भी हो जाती है। उन्होंने अपना जो रिस्क है वो भी आप लोगों के साथ डिस्क्लेमर भी अपना बता देते हैं लोगों को, और बाद में लोगों के अकाउंट वॉश भी कर देते हैं। तो इन चीज़ों से आपने बचना है, वो वीडियो देख लेनी है। अब बात करते हैं कि नो डिपॉजिट बोनस $50 के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप आ जाना है, आपने आपने किसी भी ब्राउज़र के ऊपर आ जाना है, क्रोम ब्राउज़र के ऊपर आप आ जाएंगे, किसी भी ब्राउज़र को आपने ओपन कर लेना है। और यहाँ पर जैसे कि आपको पता है मैं जब भी बताता हूँ तो यही बताता हूँ, उर्दू कलीम .blogspot.com, ठीक है। तो आपने ये चीज़ सर्च कर लेनी है, उसके बाद इसी के अंदर आपको वो मिल जाएगा, न्यू है ब्रोकर बिल्कुल। तो ये ऊपर भी आ रहा है, लेकिन इसकी सेटिंग वगैटिंग होती है तो फिर वो देर ले लेता है। तो यहाँ पर देखने GNT कैपिटल नो डिपॉजिट बोनस है, इसके बारे में हमने जानना है। तो उससे पहले कि अगर बिल्कुल न्यू है आप न्यू यूज़र हैं तो फिर वो दूसरे ब्रोकर के बारे में जान लें यहाँ पर आकर। तो लेकिन जो देख रहे हैं चेक कर रहे हैं फ्रेंड्स, हर किसी के अंदर अप्लाई किया करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर देगा या नहीं देगा, ये सही है या नहीं सही है, तो आपको मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जो आप नो डिपॉजिट, मैं अक्सर वीडियोज़ के अंदर बताता हूँ कि जो नो डिपॉजिट बोनस के साथ आप ट्रेडिंग करते हैं उससे, और डेमो के अकाउंट से अगर आप सीखते हैं, तो जो नो डिपॉजिट बोनस वाला अकाउंट होता है वो आपके लिए बेहतर होता है, ठीक है। तो ये $50 दे रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, और हर क्लाइंट के लिए दे रहे हैं। तो GNT ब्रोकर है, इसका नाम GNT कैपिटल, ठीक है। और ये है इस साल तक चलेगा, 31 दिसंबर है। तो उसके बाद यहाँ पर देखें कि जिन्होंने उर्दू में पढ़ना है वो उर्दू में भी यहाँ पर नीचे दिया गया है, उर्दू में भी देख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत मैं भी बता देता हूँ आपको कि इसका जो प्रॉब्लम है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स इससे फ़ायदा लेना ही है आपने, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डिपॉज़िट करवाना पड़ेगा तो हम क्यों करें भाई इस तरह। तो आप इसमें रिस्क लिया करें, अगर आपके पास फ़ंड नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो फिर भी आप इसके अंदर लिया करें। अगर आपके पास थोड़ा बहुत फंड है फिर भी आप इसके अंदर जो नो डिपॉज़िट वाले बोनस होते हैं उनके अंदर आप ट्रेडिंग वगैरह किया करें, और कोशिश किया करें कि वो जो हम उनकी लिमिटेशन को कंप्लीट कर सकें। जब आप लिमिटेशन के कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं तो फिर फ्रेंड्स ये होता है कि आप उससे 50 से 70% सीख जाते हैं, ठीक है। ये जो आपके लिए अच्छी बात होती है, आने वाले वक्त में अगर आपने फ़ंड से भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली होती हैं ये चीज़ें। तो यहाँ पर देखें कि इसका GNT का विड्रा है, विड्रा करवा सकते हैं, लेकिन हर $50 के लिए आपको 3 स्टैंडर्ड लॉट्स कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। तो हेजिंग और स्कैल्पिंग वगैरह नहीं करने देते ये, हेजिंग का मैंने बताया हुआ है कि कैसे होती है। यहाँ पर देखें, फिर से बता देता हूँ क्योंकि न्यू क्लाइंट भी होंगे। तो यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, हेजिंग ये होगी कि यहाँ पर मैं सेल पर भी लगा दूँ, यहाँ पर मैं सेल पर भी लगा दूँ, और फौरी तौर पर बाई पर भी लगा दूँ। एक आर्डर सेल पर लगा दिया, एक बाई पर लगा दिया, दिस इज़ कॉल्ड हेजिंग। तो ये हेजिंग कहलाता है। तो उसके बाद स्कैल्पिंग क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आर्डर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया बाय, फिर लगा दिया बाय 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 बाय, आर्डर लगाते 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 बहुत ज़्यादा लगा दिए, ये कहलाएगा स्कैल्पिंग, दिस इज़ कॉल्ड स्कैल्पिंग, ठीक है फ्रेंड्स। ये अलाउड नहीं है, दिस इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसके अलावा यहाँ पे कि अगर आपको 200
डॉलर प्रॉफिट बनानी है तो आपने 12 स्टैंडर्ड लॉट्स कंप्लीट करनी है और 30 डेज़ के लिए ये आपके लिए होगा, ठीक है। 30 डेज़ 30 दिन के लिए है और यहाँ पर आपको 100% जो कि डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। अगर आप $50 करते हैं तो फिर आपको $50 डिपॉजिट करवाना पड़ेगा और 3 स्टैंडर्ड लॉट्स करवानी कंप्लीट करनी पड़ेंगी। अगर आप $100 बनाते हैं तो $100 भी डिपॉजिट करवाना पड़ेगा बाद में, ऐसा नहीं कि पहले, बाद में करवाना है, पहले अपना अपना जो कि ट्रेडिंग करनी है, प्रॉफिट बनाना है। अगर करवाते हैं तो फिर वो रिस्क ले लेना डिपॉजिट करने वाला, अदरवाइज़ इससे आपको अगर जितनी भी आप कंप्लीट करेंगे उससे आपको प्रॉफिट तो होती रहेगी लेकिन उसके साथ साथ सीखते भी रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि 50-70% आपका रिस्क बढ़ जाता है, जब रिस्क बढ़ता है तो फिर वो फॉरेक्स को सीखने लगता है आदमी। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये चीज़ आप देख लें कि अगर आप $150 प्रॉफिट लेते हैं तो फिर आपको $150 ही डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे लेकिन 9 स्टैंडर्ड लॉट्स, तो 9 स्टैंडर्ड लॉट्स आपको इसमें कंप्लीट करनी पड़ेंगी। अगर आप $200 बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 12 लॉट्स कंप्लीट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल फॉरेक्स से $50 कोई डिपॉजिट बोनस नहीं है, GNT कैपिटल बोनस हर एक को ये बोनस $50 मिल सकता है। हर क्लाइंट GNT कैपिटल ब्रोकर में तस्दीक के बाद ये बोनस हासिल करता है। तो यहाँ पर मैंने उर्दू में भी कर दिया है तो यहाँ पर भी आप आकर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मेंशन नहीं किया वो 30 डेज़ और हेजिंग और स्कैल्पिंग वगैरह के बारे में नहीं बताया था, वो मैंने बता दिया। तो उसके बाद यहाँ पर आपने गेट $50 बोनस एंड फॉर इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है फ्रेंड। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये जो अकाउंट नज़र आ रहा है आपको, इस पर आपने जाना है, ठीक है। आप ओपन एन अकाउंट, इसको आपने ओपन करना है। जैसे ये ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस दे देना है, फर्स्ट नेम दे देना है, लास्ट नेम दे देनी है और उसके बाद बर्थडे वगैरह जो भी आपका है वो दे देनी है, जो भी आपकी आईडी कार्ड के ऊपर हो। तो उसके बाद अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान भी है और नाइजेरिया, नाइजर कौन सा है, नाइजेरिया भी है, नाइजर भी है और उसके अलावा ओमान, पाकिस्तान पर, मतलब एवरी कंट्री इसमें दिखाई जा रही है। तो ये एवरी कंट्री के लिए है, ठीक है। तो इंडिया का देख लें, इंडिया में क्या करते हैं, क्योंकि इंडिया से भी हमारे व्यूज़ हैं तो वो ना समझे कि इंडिया इंडिया इंडिया, तो काफ़ी कंट्रीज़ के हैं तो सारी कंट्रीज़ में यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर देखें कि इंडिया भी है, उसके बाद अब बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश भी, क्योंकि जो ज़रूरी है यहाँ पर देखें कि ये जो बांग्लादेश के भी आपको नज़र आ रहे हैं तो हर कंट्री के आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चाइना है, सभी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जिनकी ज़रूरत है वो यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि ऑल द वर्ल्ड मेरे यूज़र हैं तो इसलिए मुझे सारी की सारी डिटेल बतानी पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है जो भी है, तो फ्लैग को सिलेक्ट करके अपनी कंट्री को अपना नंबर दे देना फ्रेंड्स। उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्री को सिलेक्ट कर लेनी जो भी है। उसके बाद सिटी, सिटी के बाद जिप कोड, जिप कोड और पोस्टल कोड एक ही होता है। अगर आपको नहीं पता तो फिर वो गूगल पर सर्च कर दें, आपको आपकी सिटी का पोस्टल कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये खासतौर पर डाकखाने का कोड होता है, 5-6 डिजिट का होता है, 5 आई थिंक होते हैं डिजिट। तो पोस्टल कोड ऑफ आगे आपकी सिटी का नेम लिख देना, आपका पोस्टल कोड आपकी सिटी का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एड्रेस दे देना यहाँ पर। तो उसके बाद आपने क्या करना, यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में है थोड़ा सा मुश्किल काम। तो यहाँ पर आर यू पॉलिटिकल एक्सपोजर, आंसर नो, ठीक है। तो यहाँ पर आर यू इंडिविजुअल, जो मैं चीज़ें सेलेक्ट करता हूँ तो वही आपने कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर भी नो कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम तो भाई इस तरह का काम नहीं करते। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने कर देना है इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, तो अदर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। अदर के बाद आपने एग्री करना है, एग्री के बाद और भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने वो कैसे फिल करना है। तो एग्री करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रेडिंग के हवाले से पूछ रहे हैं कि तो आपने सबसे पहले नो का भी कहना है, ठीक है। उसके बाद पर्पज ऑफ द अकाउंट सिलेक्ट आंसर आपने अदर करना है, ठीक है। हेजिंग और स्पेकुलेशन, तो आपने क्या करना है, स्पेकुलेशन नहीं, अदर के ऊपर ही क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ द अकाउंट सिलेक्ट आंसर सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है। सेल्फ मैनेजमेंट रखना है यहाँ पर, आपने ध्यान से ये करना है क्योंकि उन्होंने पहले बताया हुआ है अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर। तो उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर दे देने, पासवर्ड वगैरह दे सकते हैं या फिर वो जो है फाइल वगैरह है, आई डी कार्ड वगैरह। सबसे पहले आपने सेलेक्ट कर लेना है आई डी कार्ड या फिर पासपोर्ट, ठीक है। उसकी फ्रंट साइट और सेकंड साइट आपने दे देनी है,
तो सिलेक्ट करके, ठीक है फ्रेंड्स, यहीं से उसके बाद सिलेक्ट फाइल बैंक स्टेटमेंट है वो दे देनी है अपनी, उसके बाद सिलेक्ट फाइल यहाँ पर कर देनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका सारे के सारी डिटेल वगैरह सेंड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपने चेक मार्क लगा देना है और आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्रिएट अकाउंट के ऊपर आपने जैसे क्लिक करना है तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ये जो है वेरिफिकेशन साथ ही हो जाएगी। तो आई होप के फ्रेंड्स आपको समझ लगी है जो चीज़ें मैंने सेलेक्ट की हैं यहाँ पर, वही आपने करनी है, अदरवाइज़ आपकी जो है कौन से बैलेंस वगैरह छीन लिया जाएगा, मतलब कि बोनस वगैरह ये काट कर आपको बैक कर देंगे। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर फ्री में सिग्नल लेना चाहते हैं तो दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।